नमस्ते जेंटलमैन, आरबी विमान चैनल पे आपका सहर्ष स्वागत है। आज का टॉपिक है जहाज का बाहरी लाइटिंग सिस्टम। जेंटलमैन, जहाज में तीन वजह से बाहर का लाइटिंग सिस्टम दिया जाता है। पहला, जहाज का विजिबिलिटी नाइट टाइम में होने के लिए अदर दूसरे प्लेन के लिए। दूसरा, पायलट को भी हेल्प करना है विजिबिलिटी में, पर्टिकुलर क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट में। और तीसरा, स्पेशल पर्पस स्पेशल ऑपरेशन लाइट्स दिया जाता है। जेंटलमैन, साधारणता 8 तरह के लाइटिंग सिस्टम सभी जहाज में पाए जाते हैं। उसमें से पहले एयरक्राफ्ट का विजिबिलिटी, जहाज का विजिबिलिटी के लिए मेन तीन लाइटिंग सिस्टम सभी जहाज में पाए जाते हैं, वो एयरबस में हो, बोइंग में हो या फाइटर प्लेन्स में हो। उसमें पहला आता है नेविगेशन लाइट। ये तीन लाइट का समूह होता है। एक होता है राइट साइड में, वो हरा कलर का होता है। दूसरा होता है लेफ्ट साइड में, वो लाल कलर का होता है। और तीसरा होता है व्हाइट कलर का बैक साइड में। ये दोनों हरा और लाल 110 डिग्री कवर करता है और पीछे वाला 140 डिग्री, इस तरह से 360 डिग्री ये कवर करता है। इसका दूसरा नाम पोजीशन लाइट भी है या नैव लाइट भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। उसके बाद बेकन लाइट, ये रेड कलर का स्ट्रॉन्ग फ्लैशिंग लाइट रहता है, मतलब चलता है बुझता है। वो सेकंड में दो टाइम ऐसा करता है, कुछ रोटेट होता है। तो इसमें एक होता है फ्यूजलेज के ऊपर और एक होता है नीचे साइड में। जब भी इंजन ऑन करते हैं तब ये पहले ऑन किया जाता है, फिर इंजन ऑन करते हैं, ताकि नियर बाय जो टेक्नीशियंस है या ग्राउंड क्रू है उनको पता लगे कि इंजन स्टार्ट होने जा रहा है। और बिफोर पुशबैक एयरक्राफ्ट ये स्विच ऑन किया जाता है, ताकि सभी लोगों को, क्रू को पता लगे। तीसरा होता है स्ट्रोब लाइट। ये इसका नाम एंटी कोलिजन लाइट भी बोलते हैं। ये दोनों ट्रेलिंग विंग टिप्स में होता है, विंग टिप के पीछे साइड में और टेल में एक होता है। जब भी जहाज एक्टिव रनवे, मतलब जो चालू रनवे आता है उस पर एंटर करता है, तब ये लाइट ऑन करना पड़ता है, स्ट्रोब लाइट। तो इस तरह से तीन होता है एयरक्राफ्ट का विजिबिलिटी के लिए। दूसरा होता है पायलट विजिबिलिटी, मतलब क्रिटिकल फेज में पायलट को हेल्प करने के लिए, वो होता है टैक्सी लाइट, मतलब जहाज एक जगह से टेक ऑफ के पॉइंट में जाने के लिए जो जाता है चल के, तो उसको टैक्सिंग बोलते हैं। वो होता है टैक्सी लाइट, नो स्ट्रट नीचे, उसका 115 होल्ट 400 वैट्स का पावर रहता है। यूजुअली ग्राउंड ऑपरेशन टैक्सिंग के दौरान वगैरह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे जहाज टेक ऑफ होता है, व्हील अंदर ले जाता है, तब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दूसरा, उसको टेक ऑफ लाइट भी इसी तरह का होता है, लेकिन 600 होल्ट का रहता है, इसका वाइड बीम रहता है इससे पहले से टैक्सी लाइट से। देन रनवे टर्न ऑफ लाइट करके होता है, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में नोज, एयरक्राफ्ट के नोज में इल्यूमिनेट करने के लिए। तीसरा है लैंडिंग लाइट, ये 10,000 फीट तक ऑन रहता है, और जब जहाज लैंडिंग के लिए आता है तब 10,000 फीट पे आते ही वो ऑन हो जाता है लैंडिंग लाइट। इसका 600 वैट का बीम रहता है। इसका अल्टरनेट है एडिशनल लैंडिंग लाइट सिस्टम भी है। देन विंग इंस्पेक्शन लाइट, विंग में कुछ आइस फॉर्म हुआ है क्या और डैमेज हुआ है क्या रात के टाइम में देखने के लिए। और लास्ट में आइस डिटेक्शन प्रोब लाइट, आइस डिटेक्शन के लिए एक प्रोब होता है, तो वो देखना है कि पायलट को दिखाई देना चाहिए कि उसके ऊपर आइस फॉर्म हुआ है क्या नहीं, उसके लिए एक लाइट होता है। तो इसमें से ये कॉमनली सभी जहाज में नहीं होता, लेकिन बाकी सभी लाइट रहते हैं। स्पेसिफिक पर्पज लाइट क्या क्या होता है, लोगो लाइट, कंपनी का लोगो देखने के लिए जो वर्टिकल फिन रहता है उसके दोनों बगल में कंपनी का ट्रेडमार्क लोगो नाम लिखा रहता है, वो 90 डिग्री रनवे पे खड़े रहने से एयरक्राफ्ट सभी को दिखाई देना चाहिए
इसलिए हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर होता है, उसमें दोनों उस तरफ दो लाइट ऐसे फोकस किए जाते हैं ताकि वो कंपनी का लोगो दिखे, उसको लोगो लाइट बोलते हैं। सर्च लाइट और फॉर्मेशन लाइट नॉर्मली मिलिट्री या पुलिस एयरक्राफ्ट मतलब सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशल पर्पज इल्यूमिनेशन के लिए है। तो इस तरह से लाइटिंग सिस्टम ये सभी आम एयरक्राफ्ट में मतलब एयरबस में हो, बोइंग में हो और फाइटर प्लेन्स में, सभी तरह के जहाज के ऊपर ये 8 सिस्टम्स तरह के लाइट्स लगे रहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जानकारी। तब तक गुड बाय।